देख रहे हैं मिडिल नेजल कॉन का हो गया ये वाला, बाकी वो सारे आप देख लीजिएगा। तो अब हमने ना इसके बारे में डिस्कस कर लिया। फिर वो कह रहा है कि इन्फीरियर टर्मिनेट जो है ना, इसका थोड़ा सा हमारे पास उसने बताया हुआ है, मिडिल टर्मिनेट के बारे में फिर हमारे पास बताया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। जो हमारे पास होता है ना इन्फीरियर टर्मिनेट्स, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है, वो कह रहा है कि ये सेपरेट करता है बोन को, क्योंकि इन्फीरियरली है तो उसने वहाँ पे बोन को सेपरेशन करवा देनी है। सेपरेट करता है बोन को, बिलो इट जो है ना वो इन्फीरियर मीटस जो है ना वो ओपन होता है नेजो लैक्रिमल डक्ट में, जो कि गार्डेड बाय नेजल वाल जिसे कहते हैं हेसनर वाल। तो इसने एक चीज़ जाती हुई है HASNER, हेसनर्स वाल, जो हमारे पास होता है ना बिलो द इन्फीरियर टर्मिनेट, ठीक है। तो ये इन्फीरियर मीटस जो है ना वो ओपन होता है नेजो लैक्रिमल डक्ट के, लैक्रिमल डक्ट के ऊपर, जो कि गार्डेड बाय म्यूकोजल वाल, ठीक है, जिसके इस इर्द गिर्द म्यूकोजल वाल होते हैं, इसे हम कहते हैं हेजनर वाल। बस इतनी सी बात हमने, इन सिंपल वर्ड अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना हेजनर वाल को, तो मैं कह सकता हूँ कि फोल्ड ऑफ म्यूकस मिम्ब्रेन, फोल्ड ऑफ म्यूकस मिम्ब्रेन है ये, कहाँ पे, एट द एंड ऑफ नेजो लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। तो नेजो लैक्रिमल जो है ना वो नाक से जो आंसू वाली डक्ट आ रही है उसके बिल्कुल एंड के ऊपर एक हमारे पास फोल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं ये हमारे पास है बेसिकली क्या, ये हेजनर्स वाल है। अगर मैं इसको डायग्राम यार मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए ना, तो ये देखो, ये आपको सारी नेजो लैक्रिमल डक्ट नज़र आ रही है ब्लू कलर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल इन्फीरियर मीटस है इसके बिल्कुल नीचे देखो, ये जो जहाँ पे आ रही है ना, तो यहाँ पे हेजनर वाल, ये फोल्ड ऑफ मिम्ब्रेन, म्यूकस मिम्ब्रेन मिल रहा है आपको, जिसे हम कह रहे हैं हेजनर वाल। बस अब इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। डायग्राम के जरिए इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बजाय इसके कि मैं यार यहाँ बनाऊँ, ठीक है, तो वो बड़ा टाइम लग जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा वेल एलेबोरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे है वाल और रोज मिलर है, यहाँ पे सुपीरियर कैनिकुलर इन्फीरियर नेजल लैक्रिमल डक्ट आपको देख रही है, इन्फीरियर एम्पिला वो देख रही ना आप सारे। अच्छा, फिर ये हेजनर वाल के, फिर हमारे पास मिडिल टर्मिनेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपको मैंने बतानी है। तो जो मिडिल टर्मिनेट है ना, इट इज़ एथमाइडो टर्मिनल, मिडल टर्मिनेट के बारे में वो कह रहा है कि ये है एथमो टर्मिनल, एथमो टर्मिनल है ये, सही है। अटैच होता है टू द लेटरल वाल, और ये क्या होता है, अटैच होता है टू द लेटरल वाल बाय ग्राउंड या बेजल लैमिला, ठीक है। अब जो इसका इंटीरियर एंड है वो अटैच होता है क्रिबरीफॉर्म प्लेट के साथ, तो इंटीरियर एंड जो है टर्मिनेट का, मिडल टर्मिनेट का, वो किसके साथ है, क्रिबरीफॉर्म जो है ना हमारे पास प्लेट के साथ, जबकि मिडल थर्ड जो है ना, मिडल थर्ड वो किसके साथ अटैच होगा, लैमिना पेपायरेशिया, ठीक है, लैमिना पेपायरेशिया के साथ अटैच, ये एक MCQ है, मिडल थर्ड जो है ना वो इसका लैमिना पेपायरेशिया के साथ अटैच होता है, वाइल जो पोस्टीरियर थर्ड जो है ना वो मिडल मीटस के साथ अटैच होता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर थर्ड है वो मिडल मीटस के साथ हमारे पास अटैच होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको याद होनी चाहिए। तो अब जिनको नहीं ना पता टर्मिनेट्स का भी, अभी कुछ लोगों को ना आइडिया नहीं होता, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो नाक के अंदर इस तरह के ना लुथड़े से बने होते हैं, याद रखने के लिए सिर्फ एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ, ये इन्फीरियर टर्मिनेट है, ये मिडल होगा, ये सुपीरियर टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो इसको आप गौर से देखना, ये डेविएटेड नेजल सेप्टम होगा, ये देखो ये वाले में ये सुपीरियर टर्मिनेट ऊपर ऊपर, मिडल टर्मिनेट उससे नीचे, और सबसे नीचे इन्फीरियर टर्मिनेट है, और सबसे ज़्यादा इन्फीरियर इन्फ्लेम्ड इन्फीरियर टर्मिनेट होता है, क्योंकि यहाँ पे ना लोग नाक में जो उंगलियाँ मारते रहते हैं हर दफ़ा, तो वहाँ से कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, तो गंदी हैबिट्स जो है ना वो इसका एक बड़ा काज होती हैं, सही है। तो अब इसके साथ जो है ना आपने रिलेशंस को याद करना है, तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। अगर मैं आपको साइड व्यूज दिखाऊँ ना, तो ये है सुपीरियर टर्मिनेट,
ये मिडल टर्बिनेट है, ये इन्फीरियर टर्बिनेट है, सही है। तो यहाँ पे आपने फिर वो क्रिबरी फॉर्म प्लेट और वो सारी की सारी नेजो फेरेंक्स आपको ये बिल्कुल पीछे है, फिर एडेनाइड पैड आ रहा है, ठीक है। ये फ्रंटल साइनस इसके ऊपर है, नेजल वेस्टिब्यूल बिल्कुल ये नीचे आपको दिख रहा है, नेजल कैविटी, यूस्टेकियन ओरिफिस हो गया, और फोसा रोजन मिलर जो है ना आपको दिख रहा है, सही है। फिर हमारे पास वो उसने कॉनकाई के बारे में जो है ना वो थोड़ी सी बात की है, बस यार ये चैप्टर बस इंशाल्लाह इसके बाद हम ख़त्म करने लगे, थोड़ा सा रह गया टॉपिक, मैंने कहा इसी वीडियो में कवर करवा देता हूँ। तो जो हमारे पास होता है ना कॉनकाई, उसके अंदर जो है ना वो सॉरी कॉनकाई कह रहा हूँ मिएटिस के बारे में, ठीक है। मिएटिस भी सेम होता है, मिएटिस बेसिकली होता क्या है, ये आपको पता होगा कि ये कैविटी होती है, नैरो कैविटी लोकेटेड ओब्लिकली बिलो द सुपीरियर कॉनकाई। तो सुपीरियर कॉनकाई के बिल्कुल नीचे जो है ना वो मिडल मिएटिस के बारे में इसने बात की है ना, तो सुपीरियर कॉनकाई के बिल्कुल नीचे जो है ना आपको मिडल मिएटिस होती है, जो कि मिडल पार्ट ऑफ दी मिडल कॉनकाई के बिल्कुल सेफनोपैलेटाइन के साथ वो होती है ना। तो अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊँ ना, तो यार इसकी एक तो डायग्राम नहीं ना मिल रही मुझे, ये देखो इसमें इन्फीरियर नेजल कॉनका, मिडल नेजल कॉनका, ठीक है, सुपीरियर नोजल कॉनकाई, कहीं पे वेस्टिब्यूल लिखा हो कहीं पे कॉनका लिखा हुआ, तो बात एक ही है ना, ठीक। तो ये इसकी ये नीचे वाला वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है, इन्फीरियर मिडल और सुपीरियर कॉनका, टर्मिनेट ये कॉनका ऑलमोस्ट जो है ना इसी के साथ मिलती जुलती चीज़ें हैं ना। अब हमारे पास फिर अनसीनेट प्रोसेस के बारे में जो है ना उसने कहा कि मिडल मिएटिस में जो है ना वो बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर वो कह रहा है कि एक हमारे पास होता है अनसीनेट प्रोसेस, थोड़ी सी एनाटॉमी जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है ना हमेशा। इसमें क्या होता है, हुक लाइक जो है ना वो स्ट्रक्चर है जो कि पैरेलल होता है किसके, बुल्ला एथमाडाइलस के, बुल्ला एथमोडाइलस के, और जो गैप इन दोनों के दरमियान होता है ना उसे हम कहते हैं गैप बिटवीन द टू इज कॉल्ड हाइटस सेमिलूनेरस। जो इंपॉर्टेंट बातें मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, हाइटस सेमी ल्यूनेरिस। तो ये हमारे पास मिडल मिएटिस के साथ कोरिलेट होता है, स्पेस लिमिटेड बिटवीन जो है ना स्पेस, ये वाली जो स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं हाइटस सेमी ल्यूनेरिस, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये एक पहले डायग्राम देखो, ये हमारे पास है लेटरल वॉल ऑफ द नोज, ये देखो इनफंडिबुलम, बुल्ला एथमाडाइलस और हाइटस सेमिलूनेरिस, ये देख रहे हो छोटी सी, ये बिल्कुल यार इसको एक फोकस का बड़ा मसला आ रहा है आज, ठीक है। ये देखो ये जो है ना हाइटस सेमिलर बिल्कुल नीचे है, तो मैंने क्या कहा हाइटस सेमिलर जो बुल्ला एथमाडाइलस है ना, ठीक है, बेसिकली क्या है यूँ हुक लाइक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, जो कि पैरेलल होता है एथमाइड बुल्ला एथमाडाइलस की, ठीक है। अनसीनेट प्रोसेस एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास बुल्ला एथमाइडाइलस के पैरेलल चलता है, और इनके दरमियान जो गैप होता है उसे हम कह रहे हैं हाइटस सेमिलूनेरिस, ठीक है। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर, ये बुल्ला एथमाइडाइलस, उसके दरमियान में जो गैप आपको नज़र आ रहा है जिसे हम कह रहे हैं हाइटस सेमिलूनेरिस, तो अब आपको नहीं भूलेगा। अच्छा फिर हमारे पास वो कह रहा है कि ये स्पेस कहाँ तक लिमिट होती है, मीडियली जो वो कह रहा है कि ये स्पेस जो है ना वो मीडियली अनसीनेट प्रोसेस तक जाती है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैगडिला तक जाती है, लेटरली जो है ना वो हमारे पास लेमिना पायरेसिया तक जाती है जिसे हम इन्फंडिबुलम भी कहते हैं। अब बुल्ला एथमाडाइलस के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि ये होता क्या है, तो जो हमारे पास होता है ना बुल्ला एथमाइडाइलस, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ बुल्ला फॉर्म पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द हाइटस सेमिलूनेरिस, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूँ। इसका जो एंटीरियर, अभी जो मैंने आपको दिखाया बुल्ला एथमाडाइलस नीचे करके गोल सा था ना, ठीक है, तो एंटीरियर जो इसकी सरफेस है ना वो क्या करती है, फॉर्म करती है पोस्टीरियर बाउंड्री, ठीक है। वो बुल्ला एथमाडाइलस यूँ था, उसके नीचे बिल्कुल था कि हमारे पास हाइटस सेमिलूनेरिस, तो पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ हाइटस सेमिलूनेरिस जो है ना वो बनाता है कौन, बुल्ला एथमाडाइलस। अब इसके जो है ना व्हेन देयर इज अ स्पेस बिटवीन एंड बिहाइंड द बुल्ला इज कॉल्ड सुपरा बल्बर और रेट्रो बल्बर रिसेस, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि इनके दरमियान एक फर्दर स्पेस आ जाए अबव और बिहाइंड, ठीक है, अबव प्लस बिहाइंड एक और स्पेस आ जाए, तो उसे हम कहते हैं सुपरा बुलर, या फिर उसे हम कहते हैं रेट्रो
रिसेस कहते हैं, रेट्रो बुलर रिसेस कहते हैं, सुप्रा बुलर या रेट्रो बुलर रिसेस कहते हैं। दीज टू फॉर्म दी लेटरल साइनस, इन दो ये दो मिलकर क्या बनाती हैं, लेटरल साइनस बनाती हैं, जिसे इन कहते हैं साइनस लेटरलिस ऑफ ग्रनवीड। ठीक है, तो ये लेटरल साइनस बनाती है, जिसे कहते हैं साइनस लेटरलिस ऑफ ग्रनवीड, जी ग्रनवीड, ग्रनवीड जो है ना ये इसे इस तरह का एक लफज है, वो कहते हैं कि उसकी जो लेटरल साइनस है वो बनाती थी। फिर उसने एक लफ्ज लिखा हुआ है एट्रियम ऑफ द मिडल मीएटस, ये क्या होती है? तो हमारे पास जो बस ये थोड़ा सा रह गया यार, एट्रियम ऑफ मिडल मीएटस, इसके बारे में वो कह रहा है कि ये एलिवेशन होती है जस्ट एंटीरियर टू द अटैचमेंट ऑफ मिडल टर्मिनेट, एलिवेशन जस्ट एंटीरियर टू अटैचमेंट ऑफ मिडल टर्मिनेट, मिडल टर्मिनेट, मिडल टर्मिनेट सुपीरियर टर्मिनेट, इन दोनों के दरमियान जो है वो अटैचमेंट की एलिवेशन कहते हैं। इट इज एथमाइडो टर्मिनल सिचुएटेड पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द मीएटस, बस इतनी सी बात है, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई पूछे तो कह देना कि ये एक जो है ना शैलो डिप्रेशन होती है जो कि अबव वेस्टिब्यूल जो है ना ये आपके पास आ जाएगी। तो अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊँ तो इसके साथ ना देखो, इन्फीरियर टर्मिनेट और मीएटस, मिडल टर्मिनेट और मीएटस, सुपीरियर टर्मिनेट और मीएटस, ठीक है, इसके बिल्कुल आगे जो है ना आपको एट्रियम मिल रहा है, इसके नीचे ये वेस्टिब्यूल। अब होपफुली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जो है ना वो कंसेप्ट आ गया होगा। फ्रंटल साइनस सबसे ऊपर होता है, ठीक है, फिर सेफेनाइड साइनस पीछे है, ठीक है, फिर हमारे पास यूस्टेकियन ओरिफिस ये आ रहा है हमारे पास, फिर ये सॉफ्ट पैलेट आ रहा है यहाँ पे, एगरनेजाई एट्रियम ऑफ द मिडल मीएटस, देख रहे एट्रियम जो हमने बात की है, एट्रियम ऑफ द मिडल मीएटस ये बिल्कुल मिडल टर्मिनेट के बिल्कुल आ गया है। नेजल वेस्टिब्यूल आपको दिख रही है, रोजन म्यूलर फोसा दिख रहा है, फिर आपको टंग दिख रही है और बहुत सारी की सारी चीज़ें। तो दैट्स ऑल अबाउट, अभी अब फंक्शन ऑफ नोज गया है तो बच्चे बच्चे को बताया कि रिस्पायरेशन करनी है, एयर कंडीशनिंग करनी है, इंस्पायर्ड एयर की प्रोटेक्शन करना है लोअर एयर वे को, ठीक है, वोकल रेजोनेंस करनी है, नेजल रिफ्लेक्स है, और ऑल्फैक्शन के अंदर जो है ना सूंघने की हिसाब को ये बता देती है। तो अभी तक जो है ना मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें ऑलमोस्ट डिस्कस कर दी हैं, जो रह जाएंगी वो आपने खुद अब पढ़नी है। तो यार आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मैक्सिमम हो सके ना, ये एक्सटर्नल नोज किया, बोनी पार्ट, कार्टिलेजिनियस पार्ट हमने किया, नेजल स्किन के बारे में हमने किया, ठीक है, तो जो लोब्यूलेटेड ट्यूमर होते हैं जिसमें राइनोफायोमा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर लेटरल नेजल वाल के बारे में 3 to 4 टर्मिनेट होते हैं, ठीक है, जिसको या कॉनकाई टर्मिनेट हो जाए या कॉनकाई हो जाए एक ही बात है, कुछ भी नहीं इसमें डिफरेंट ना, ठीक है। फिर अब ये देखो इस डायग्राम में हम देखते हैं आप बड़े इंपॉर्टेंट, ताकि हम बुक में एंड पे तक है ताकि आपको मजा आ जाए। ये देखो हमने नेस्टल किया, फिर पेलेथ्रम किया, ये वाली जो चीज़ है पेलेथ्रम, और इसके बिल्कुल ऊपर जो है ना वो क्लोम्बुला होता है, जो आपके नाक जो है ना आप फील करें इसको, ठीक है, होंठों के दरमियान में जो पेलेथ्रम है, ठीक है, वो कहते हैं पी लू तेरे नीले नीले होंठों की सरगम, एक गाना भी है ना इस तरह करके, बड़ा मैं किसी दौर में बड़ा सुना था यार। फिर नाक के बिल्कुल ऊपर जो दोनों नथनों के दरमियान स्पेस है जिसे हम कोलोम्बुला कहते हैं। अब देखो ये सारे का सारा जो साइडें आप फील करते हैं नाक की, इसे हम कहते हैं डॉर्सम, वो कहते हैं तुम्हारा फीना नाक का एवं खाम खामे करते हैं, तो वो जो है ना वो फीना ना वो यही है, डॉर्सम ऑफ द नाक को देख रहे थे। रूट ऑफ द नोज देखो, नेरीज देखो, कोलोम्बुलाज देखो, ठीक है, ये वाला ये कोलोम्बुला, ठीक है, फिर नेजोलेबियल एंगल आपको दिख रहा है ये वाला, और नेजोलेबियल फोल्ड आपको दिख रहा है ये आप करते हैं यहाँ पे, फिर डिंपल पड़ता है ना यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे देख लें। अब ये देखो ऊपर वाला नेजल बोन है, उसके बाद फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैगजीला, फिर लेटरल कार्टिलेज आप दिख रहे हैं, सेप्टल कार्टिलेज आप दरमियान में सेप्टम के दरमियान, लेसर एलर कार्टिलेज और एलर कार्टिलेज, लेसर एलर कार्टिलेज ये वाली है, और फिर ये हमारे पास आती है एलर कार्टिलेज, कार्टिलेज आपकी पूरी होगी। अब एलर कार्टिलेज में क्या है, लेटरल क्रस है और मीडियल क्रस हो गया, ठीक है, दरमियान में यह मीडियल है और ये साइडों वाला जो हमारे पास लेटरल क्रस हो गया। फिर फाइब्रोफैटी टिश्यू, ये जो पीले पीले हैं फाइब्रोफैटी टिश्यू हैं वो आप देख लेंगे, ठीक है। इन्फीरियर टर्मिनेट हो गया, सेपरेट करता है बोन को मेस्टाइल लैक्रिमल के साथ, वो देख लेना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये सुपीरियर टर्मिनेट और मीएटस, मिडल टर्मिनेट हो गया, और इन्फीरियर टर्मिनेट और मीएटस मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम दिखा दी। एगरनेजाई देख रहे हैं, एट्रियम देख रहा है, ठीक है, और वेस्टिब्यूल ये जहाँ पे जो आपको बाल वगैरह नज़र आ रहे थे ना, फिर आप देख लो। अब यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ऑफ एथमाइडल साइनस देख रही है,
फिर ओपनिंग ऑफ द पोस्ट माइडल है, हाइटस सेमी लूनेरस हमने देखा, अनसीनेट प्रोसिबुला एथमाडाइलस देख लिया, ओपनिंग ऑफ द फ्रंटल नेजल, ओपनिंग ऑफ द मैक्सिमम हो गया, ओपनिंग ऑफ द नेजो लैक्रिमल डक्ट ऑफ ये देख रही, एक्सेसरी ओपनिंग देख रहे हैं, सही है। फिर हमारे पास क्या है, अनसीनेट प्रोसेस आपको दिख रहा है, और ये कोई इतनी ये द्वारा दिख रहे हैं क्रॉस सेक्शन में बुल्ला एथमाडाइलस। अगर ये डायग्राम बनाने में आ जाए तो मिडिल टर्बिनेट के पास जो है ना बुल्ला एथमाडाइलस और हाइटस सेमी लूनेरस में ला के अनसीनेट प्रोसेस नीचे बना देना, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। फिर हमने लाइनिंग देखी, वेस्टिब्यूल ऑल्फैक्टरी रीजन होती है, रिस्पायरेटरी रीजन, नर्व सप्लाई हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ही पता है तो आपको 12 से 20 नर्व होती हैं जो कि पास क्रिबरीफॉर्म प्लेट से और ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाती हैं, ऑल्फैक्शन के लिए जो यूज़ होती है ना। फिर बाकी इसको बस रीड कर लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हमें करने की जरूरत नहीं है कि जो है ना हमारे पास एक्सटर्नल नोड एंड इंटीरियर पार्ट, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड और जुगुलर नोड, ये दो जो है ना वो नोड जिसके रेट्रोफरेंजियल नोड होते हैं, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई ऑलरेडी हमारा अनाटमी पढ़ने का हमारे यहाँ पे है नहीं है, तो एक हमारे पास सब मैंडिबुलर, ठीक है, जुगुलर, और हमारे पास होता है रेट्रो फेरेंजियल, ये तीन जो है ना वो नोड्स हैं उनकी देख लेना सप्लाई कहाँ कहाँ पर। फिर फिजियोलॉजी में देख लो, प्रोटेक्शन ऑफ एयर वे है, एयर कंडीशनिंग है, रिस्पायरेशन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वोकल रेजोनेंस है, नेजल रिफ्लेक्स, सिर्फ नाम याद कर लेना। ऑल्फेक्शन के लिए ऑल्फैक्टरी पाथवे को थोड़ा सा देख लेना है, और डिसऑर्डर ऑफ द स्मेल के अंदर एनसोमनिया है और पैरासोमनिया है। एनसोमनिया में क्या होता है हमारे पास लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, वाइल हाइपोसोमनिया में जो है ना वो पार्शियल लॉस होता है, एनसोमनिया में कंप्लीट लॉस होता है, सूंघनी बिल्कुल नहीं आती। पैरासोमनिया में क्या होता है, परिवर्जन ऑफ द स्मेल इंटरप्ट द ऑर्डर इनकोरेक्टली, उसे कोई अच्छी चीज़ सुंघाओ तो वो बुरी चीज़ महसूस करता है, तो मतलब उल्ट हो काम सारे चलते हैं, पैरासोमनिया जिसे कहते हैं। बस ये चीज़ें आपने देखी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिजीज ऑफ एक्सटर्नल नोड, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहे हैं। इंशाल्लाह एट्राइड के एक एक वीडियो काफ़ी होगी ना इनकी, तो उसके बाद हम रीड करेंगे एंड से। तो थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी एल्थ इन योर पीशियस प्रेयर, अल्लाह हाफिज़।